फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टडीपीडिया। आज हम बात करने वाले हैं कि नीट एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में आपको बताने वाला हूं, जो आपको आजमानी चाहिए और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स में भी पहले बात करते हैं कि अगर कोई ऐसे क्वेश्चन दे रखे हों जिसमें वैल्यू ना दे रखी हो, फॉर्मूला टाइप क्वेश्चन दे रखे हो, जैसे कि मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि क्वेश्चन में दे रखा है म्यू, दे रखा है फ्रिक्शन, एफ दे रखा है किसी ब्लॉक्स पर मास, सॉरी फोर्स, और एम वन एंड एम टू दे रखे हैं उन ब्लॉक्स के मासेस, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें वो अगर ये सिचुएशन उसने दे रखी है, मान लीजिए कि बहुत टफ सिचुएशन दे रखी है और अब आपको पूछा गया है कि ना एक्सेलरेशन के बारे में आप बताइए। मान लीजिए कि ये तो समझ लीजिए ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ रखा है लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है, तो अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको पता है कि यार ए बराबर तो एफ बाई एम होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, मैं ऑप्शन के बारे में बात करने वाला हूँ। ए ऑप्शन दे रखा है कि एफ माइनस म्यू एन अपॉन एम वन प्लस एम टू, बी ऑप्शन दे रखा है एफ प्लस म्यू एन अपॉन एम वन प्लस एम टू, सी दे रखा है एफ प्लस म्यू एन अपॉन एम वन माइनस एम टू, और डी ऑप्शन दे रखा है एफ माइनस म्यू एन लेकिन f माइनस म्यू एन लेकिन दे रखा है सिर्फ m1। मान लीजिए अब आपको पता है कि यार मान लीजिए कि ये तो क्वेश्चन बड़ा इजी है, लेकिन मान लीजिए कि बहुत टफ क्वेश्चन आए और इसी पैटर्न का आए जिसमें और भी वैल्यूज़ ऐड हो जाएगी, लेकिन जो ये जो वैल्यूज़ हैं जो f और m1 m1 ये सब फिक्स रहेंगी, ठीक है। सबसे पहले तो आपको मैंने आपको बताया कि f का फॉर्मूला होता है, आप सबको पता है कि a बराबर f बाई m होता है, और f जो होता है वो टोटल फोर्स होता है और m जो होता है वो टोटल मास होता है, ठीक है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि m1 प्लस m2 किस ऑप्शन में नहीं है, तो ये देख के इसमें m1 प्लस m2 है इसमें नहीं है, और इसमें सिर्फ एक m दे रखा है, आपको पता है टोटल मास में दोनों m आएंगे, तो ये चला गया, ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन भी कट हो गया, और आपके पास दो ऑप्शन रह गए, ये वाला और ये वाला। अब आगे कैसे करते हैं, आगे हम देखते हैं कि देखिए ऊपर दे रखा है f, और f के बारे में आपको पता है कि जो f होगा वो ऑप्शन क्वेश्चन में दे रखा है म्यू, जो म्यू वाला फोर्स होगा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो f के अगेंस्ट लगेगा क्योंकि वो मोशन के अगेंस्ट लगता है, तो ये तो पक्का है कि f माइनस म्यू एन होगा, ठीक है, डेफिनेटली ऐसा ही होगा। अब ऐसा कोई ऑप्शन देखिए, अभी दो ऑप्शन में से देखिए इसमें प्लस दे रखा है तो ये गलत हो गया और ये सही हो गया। अब ऐसा पैटर्न आप लगा लगा कर क्वेश्चन कीजिए, चार से पांच पैटर्न के ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको बड़ा इजी लगेगा ऐसे करने में। आपको क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर किसी कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कभी क्वेश्चन देखा यार बहुत तीन बार चार बार देख लिया लेकिन कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा यार कैसे करूँ, कुछ बात समझ में नहीं आ रही यार कैसे करूँ, तो ऑप्शन को देखकर और कुछ ना कुछ तो आप जिसके बारे में पूछा है तो थोड़ा बहुत फॉर्मूला लगा लगू के ऊपर नीचे की जो वैल्यू देख सकते हैं। आप बस मान लीजिए इसमें अगर वाई दे रखा है कोई, जैसे कि यंग मॉडुलस दे रखा है, टेंशन दे रखी है, और जो अल्फा दे रखा है, डेल्टा एल दे रखा है, अनशन कोई भी दे रखा है, तो वो वैल्यूज़ इधर से उधर सेट हो जाएगी, लेकिन ये जो मेन वैल्यू है वो सेम रहेगी। तो ये थी पहली टिप्स फिजिक्स के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट पैटर्न के बारे में बात करते हैं कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, जिसमें वाई यंग मॉडुलस है और एफ फोर्स है, ठीक है, और एफ जो दे रखा है वो दे रखा है एम जी बाई टू दे रखा है, एम टू जी बाई टू, ठीक है। अब उसका उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ कि एफ एम टू एम टू जी बाई टू क्यों दे रखा है, क्योंकि देखो ये सिचुएशन दे रखी है, ये प्लेन है, यहाँ पर दे रखा है ये ब्लॉक एम वन, ये पुली, यहाँ पर दे रखा है ब्लॉक एम टू, ठीक है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है ये एफ, ठीक है। अब इसमें देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि एम टू जी टू एम वन प्लस एम टू अपॉन ए इंटू वाई और एम वन प्लस एम टू, बी दे रखा है कि एम टू जी एम वन प्लस एम टू और टू ए वाई एम वन प्लस
एम टू, और सी दे रखा है एम टू जी एम वन, टू एम वन प्लस एम टू और टू ए वाई एम वन प्लस एम टू, और डी दे रखा है अपने पास नन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कोई भी दे रखा हो, इसमें इसने पूछ रखा है कि जो ये जो डोरी है इसमें कितना टेंशन होगा, ठीक है, स्ट्रेन के अंदर कितना हाई टेंशन होगा, इस टेंशन के बारे में इसने सब कुछ पूछ रखा है। तो अब बात कीजिए, देखिए आप पहले ऑप्शन में देखते हैं कि ठीक है नीचे ए वाई नीचे है, ए वाई नीचे है और ए वाई नीचे है, ठीक है, एम टू जी है, एम ई टू ही बार है, एम टू ही बार है और एम टू ही बार है। इसके बाद में इसमें देखते हैं कि इसमें एम वन अपन एम टू है, इसमें भी इसमें टू एम वन अपन टू एम वन एम प्लस एम टू है, इसमें टू एम वन प्लस टू एम टू है, तो ये तो फिक्स हो गया कि ये ऑप्शन चला जाएगा, क्योंकि देखिए फिजिक्स में देखिए नन के बारे में बात मत कीजिए, क्योंकि नन जो है 99% केस में गलती होते हैं, और ये देखें इसके बारे में तो ये इससे सिमिलर करता नहीं है, तो इसको पहले काट दें। ये ट्रिक्स है जो कि आपको भी आती होगी, अगर नहीं आती है तो आप ये अजमा लें। उसके बाद में बात करें तो नीचे दो आएगा, नीचे दो आएगा और इसमें नहीं आ रहा है, तो जो मेजोरिटी वाला ऑप्शन है उसको करेक्ट कर दें और इसको काट दें। प्लीज़ आपको अगर नहीं आता है तो आप ऐसे ही करें, तुक्के ना मारें, अगर तुक्का लगा नहीं है तो ऐसे लगाएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो तीसरी बात है वो है कि ना हर क्वेश्चन या हर कैलकुलेशन जो होती है, आप जो आप कैलकुलेशन करते हैं उसको जो है राउंड अप में कर लीजिए, क्योंकि राउंड अप करके अगर आप किसी कैलकुलेशन को करेंगे तो आपके लिए बड़ा ईजी रहेगा, क्योंकि आपके लिए वो कैलकुलेशन बड़ी ईजी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि दे रखा है 3.337 दे रखा है अपॉन 5.68 दे रखा है, तो ये बड़ा ही थोड़ा इरिटेटिव लगता है कि यार क्या वो कर रहा है, और ऐसे क्वेश्चन करते करते आपका ब्रेन भी थोड़ा सा परेशान होने लग जाता है। तो 3.337 है, इसको आप लगभग 3.5 मान लीजिए, और इसको भी थोड़ा सा नीचे करके 5.5 मान लीजिए, ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए कि दे रखा है 178, तो इसको 180 मान लीजिए, 173 के आसपास दे रखा है तो इसको 170 मान लीजिए। मतलब जो अगर इसमें क्या करते हैं कि जो 5 से ऊपर वाली वैल्यू है उसको नेक्स्ट वाले में कन्वर्ट कर दीजिए, अगर नीचे वाली वैल्यू तो इसको नेक्स्ट वाले में कन्वर्ट। मान लीजिए कि 175 से ऊपर जो जितनी वैल्यू है आप उनको सारी को 180 मान लीजिए, और जो 175 से नीचे है आप उनको सारी को 170 मान लीजिए। अब आपको लगता होगा कि यार ये क्या बोल रहा है, क्योंकि ये तो बड़ी ईजी चीज़ है। अरे ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए कोई डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ जैसा क्वेश्चन आ गया तो उसमें आपको पता है कि एम रखना पड़ेगा, आर रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का जो क्यू है वगैरह है, मान लीजिए वी भी दे रखा हो, तो ऐसे अनसंड आपको बहुत सारी वैल्यूज रखनी पड़ेगी, उसमें ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि यार कैलकुलेशन हो नहीं पाती। मान लीजिए कि ऊपर 34 दे रखा है और नीचे 5 दे रखा है, तो उसको क्या कीजिए, मान लीजिए एम और एक्स बहुत सारे दे रखा है इधर उधर, तो 34 को आप पहले 36 मान लीजिए और 5 को आप 6 मान लीजिए और इसको काट दीजिए। ये आपके लिए बेटर होगा और आप ऐसे फटाफट क्वेश्चंस करते जाएंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे ही क्वेश्चंस करोगे तो आपका जो माइंड लेवल है वो अच्छा बना रहेगा और आप इरिटेशन पैदा नहीं होगा, इसलिए बायो वगैरह या केमिस्ट्री और जो और भी क्वेश्चंस हैं वो अच्छे ढंग से आप सॉल्व कर पाओगे। चौथी बात है कि फ्रेंड्स आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करना सीख लीजिए। अगर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन मान लीजिए आपको आ ही ना रहा हो तो उसको कैसे करें। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन दे रखा हो उसमें आपको 3 से 4 वैल्यूज दे रखी हो और वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा हो, फॉर्मूला आपको पता ही ना हो, तो क्या कीजिए कि उन वैल्यूज़ को ऊपर नीचे रख के काट दीजिए और जो वैल्यू आएगी उस ऑप्शन को देख लीजिए और आपको टिक कर दीजिए। क्योंकि ये जो मेडिकल एग्ज़ाम होते हैं उनमें बिल्कुल जो करेक्टली जो कटने वाले ऑप्शन ही दिए जाते हैं, इतना कोई आपसे मेहनत नहीं करवाई जाएगी जिससे कि आपका जो ब्रेन है वो थोड़ा ख़राब हो, क्योंकि उनको भी पता होता है यार बंदा 90 क्वेश्चन बायो कर रहा है फिर 45 उसको केमिस्ट्री करना है, तो इसलिए फिजिक्स में थोड़ा इतना भी वो परेशान नहीं करता है। हालांकि AA3EE ये जेई मेन वाला जो देखते हैं उसमें करते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन भी कम आते हैं और वो यही जो है वो चीज़ देखते हैं कि यार बंदे को आता क्या है, क्योंकि अगर बंदे को कैलकुलेशन करनी नहीं आती तो वो क्या यार करेगा। लेकिन हमारे में ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी, आप अच्छे से करें और ऊपर से नीचे अगर क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता हो तो आप ऊपर नीचे काट कुटा के देख लें यार कट रहा है तो ठीक है, तो ये ऑप्शन आ रहा है तो आपको टिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं कि हम सेकेंडली केमिस्ट्री की बात करते हैं कि केमिस्ट्री में कैसे सॉल्व करें, कि केमिस्ट्री में भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ टेक्निक्स हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट आप कर लोगे। जैसे कि मान लीजिए कि ब्लॉक्स से कोई क्वेश्चन आया,
ठीक है, एग्जाम्पल टाइप का क्वेश्चन आ गया जो कि आपको बिल्कुल ना आ रहा हो, कि आपको पता ही ना हो कि यार ये प्रॉपर्टी दे रखी यार ये कौन सा सही होगा, तो उसमें एक मैं अच्छी खासी ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि वो आपको 100% काम करेगी। मान लीजिए क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वैसे आपको समझ में आ नहीं रहा। मान लीजिए कि ऑप्शन दे रखे हैं कि ए बी सी और डी, मान लीजिए चार एग्जाम्पल दे रखे हैं जो कि इन ए बी सी डी ऑप्शन में दे रखे हैं, जो कि मान लीजिए कि तीन एग्जाम्पल जो हैं वो डी ब्लॉक के हैं, ठीक है, और एक एग्जाम्पल जो दे रखा है वो एस ब्लॉक का है। 100% मेरी गारंटी है कि इस क्वेश्चन कोई भी हो, उसने कुछ भी पूछा हो, जितना मेडिकल का जो इतिहास रहा है, ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा, क्योंकि जो तीन जो सिमिलर चैप्टर्स होंगे, चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं, या जो ये जो तीन जो सिमिलर जो एग्जांपल होंगे, जो तीनों ही डी ब्लॉक के होंगे, यह पता लगा गया होगा कि यार ये तीनों तो एक ही सेम ही ब्लॉक के हैं। जो एक पक्का देगा, जो तीन होगा वो सेम ब्लॉक से होंगे और चौथा होगा वो एक अलग ब्लॉक से होगा, तो 101% वो ही ऑप्शन सही और करेक्ट होगा। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं इसमें केमिस्ट्री में सेकंड में के जो पीएच वाले क्वेश्चंस जरूर आते हैं, तो पीएच वाले क्वेश्चंस को डायरेक्टली कैसे करें। मान लीजिए कि बहुत अनशन दे रखा है क्वेश्चन, जिसमें बहुत सारी कंसंट्रेशन दे रखी है, मासेस दे रखे हैं, वैल्यू दे रखी है, वॉल्यूम्स दे रखे हैं, तो मान लीजिए आपको पीएच पूछ रखा है, आपको फ्रेंड्स कहीं भी क्वेश्चन में दिख जाए कि ये रही हमारे पास जो बेस है, जो बेसिक होता है हमारे पास, उसकी वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए कोई एक्स दे रखी है उसको पकड़ लीजिए, या फिर कोई एसिड दे रखा है उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है उसको पकड़ लीजिए, जो भी मिले, मान लीजिए कि अगर बेस मिल जाए तो बेस को आप लॉग में कन्वर्ट करके आप पहले पीओएच निकाल लीजिए उसी कंसंट्रेशन से, और फिर इसको 14 में से माइनस करके आप पीएच निकाल लीजिए। अब मैं फ्रेंड्स तीसरी बात आती है, वो आती है कि बॉन्ड ऑर्डर, माफ कीजिएगा, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, और बॉन्ड एंगल। आपको पता है कि ये तीनों की प्रॉपर्टी सेम होती है, और ये जो होते हैं वो सारे ही अपोज होते हैं बॉन्ड लेंथ के, ठीक है, ये बात आपको पता चल गई पहले। इस पे पक्का तीन से चार क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, उसको आपको सॉल्व करना है। एक पक्की ट्रिक बता देता हूँ, मान लीजिए कि आपके पास बिल्कुल भी टाइम बचा नहीं है, तो आप उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर दीजिए फटाफट, देखते ही आपको सॉल्व हो जाएगा, एक सेकंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए कि तीन जो आपको क्रम दे रखे हैं, सीक्वेंस दे रखा है, एक एक्स दे रखा है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ठीक है, एक ही दे रखा होगा, लेकिन उस पर जो चार्ज होंगे वो अलग अलग दे रखे होंगे। मान लीजिए पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल और नेगेटिव है। ये मैंने क्रम क्यों लिखा है, ये मैंने आंसर ही लिखा है, क्योंकि जब जब आपको बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एंगल के बारे में पूछा जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज है बिना देखा देख आप कर दीजिए कि जो पॉजिटिव है वो सबसे मैक्सिमम होगा, न्यूट्रल है वो हमेशा बीच में आएगा, और जो नेगेटिव होगा वो सबसे एंड में आएगा। ये बात आप रट लीजिए, ये 100% करेक्ट बात है। ऑप्शन आपको देखना ही नहीं है, सीधा आपको प्लस पहले देखना है, नेगेटिव बाद में देखना है, और कर दीजिए, आपको हमेशा इसी पैटर्न में दे रखा होगा, इससे आपको बड़ी आसानी होगी करने में। और अगर बॉन्ड लेंथ पूछा है, आपको बड़े ढंग से देखना है यार कि बॉन्ड लेंथ पूछा है, तो जस्ट इसका उल्टा आप सीक्वेंस बना देंगे, क्योंकि ये इनके अपोज होता है, ठीक है। और उसके बाद में यार मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री, जो फिजिकल केमिस्ट्री है, उनमें दोनों में ही अप्लाई होती है कि यार देखिए कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो फिजिक्स और केमिस्ट्री में, जैसे कि स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री में, जिसमें मान लीजिए ए ऑप्शन है और बी ऑप्शन है, ठीक है, और ए ऑप्शन में -20 दे रखा है और बी में +20 दे रखा है, जो थर्मोडाइनेमिक्स वगैरह क्वेश्चन होते हैं उसमें आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, 99% केसेस में माइनस वाला सही होगा, बिना देखा देख ही सही कर दीजिएगा। जितने भी पीएमटी के क्वेश्चन आते हैं, वर्क डन वगैरह निकालना होता है, जो भी नेगेटिव वाला ऑप्शन दे रखा हो, दो ऑप्शन सेम हो जिसमें एक पॉजिटिव हो एक में नेगेटिव हो, नेगेटिव वाला ऑलवेज भी करेक्ट होगा। बात करते हैं बायोलॉजी की, ठीक है, बायोलॉजी में मैं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ आपको, जैसे कि एक एग्जाम में जो है 4 से 5 या 6 भी आ सकते हैं, जो टेबल वाले क्वेश्चन आते हैं जिसको आपको मैच या मिक्स करना होता है, ठीक है, अब आपको इन सबको मैच करना है। मान लीजिए फ्रेंड्स कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता हो, आपको पता भी ना हो कि ये कौन है और ये कौन है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि ट्रिक है,
जिससे आप सही ऑप्शन टिक कर पाएंगे। शायद ही आप आती होगी, आपने कहीं पढ़ी देख भी रखी होगी, लेकिन अगर जिसने नहीं देखी है वो देख सकते हैं मैं कैसे सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले ये बड़ा इजी तरीका है, इनको मुझे बिल्कुल भी ना देखना है, मुझे सिर्फ इन क्वेश्चन ऑप्शन को ही देखना है, मुझे मेजोरिटी देखनी है। आप यहाँ फिर से देखिए, ए में सेकंड दे रखा है, ए में सेकंड दे रखा है और ए में सेकंड दे रखा है, इसका मतलब ये पक्का है कि जो सी ऑप्शन है वो 101% रॉन्ग हो गया। ठीक है, उसके बाद में मुझे देखना है कि बी में देखिए, थर्ड दे रखा है, थर्ड दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है और फर्स्ट दे रखा है, अब ये दोनों टाई हो गया, तो मुझे बी तो बताएगा नहीं कि यार ऑप्शन कौन सा आएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ने में मेरे पास आता है सी में 1 आता है, 4 आता है, 4 आता है और 4 आता है, पक्का हो गया कि 1 तो होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद में मैं लास्ट ऑप्शन के पास पढ़ता हूँ, तो वहाँ पर मुझे क्या मिलता है कि डी में 4 मिलता है, थर्ड मिलता है, 2 मिलता है और थर्ड मिलता है। अब आपको भी पता चल गया होगा कि इन दोनों में से जो दो ही बचे हैं, इन दोनों में से कौन सही होगा, थर्ड ज़्यादा आ रहा है तो ये पक्का 100% ये ही सही होगा और ये गलत हो गया। और आप देख सकते हैं ये AIPMT का आया हुआ क्वेश्चन है, आप पेपर्स पे उठा के देख सकते हैं और ये क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व किया, ये बड़े ही सिर्फ 5 से 6 सेकंड का ये क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स अगर आपको बिल्कुल नहीं आता हो, आपको पता ही ना हो यार इस पूछ क्या रहा है, मैंने आपको पता आपके सामने मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया और आपको आपको मैंने आपके सामने किया और आपको पता होगा कि मैंने इस टेबल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, मैंने सिर्फ इन ऑप्शंस को यूज़ किया और फटक से मैंने ये आंसर दे दिया है। आप इस ट्रिक्स को अपनाएं और ये ट्रिक लगाकर जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सही करें। बायो में बात करते हैं कि सेकंड बायो में क्या सोचना चाहिए। देखो फ्रेंड, बायो में काफ़ी क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें डी ऑप्शन होता है, आपको कई बार मिलेगा कि ऑल आर करेक्ट, 90% केसेस में ये ऑप्शन सही होता है। तो अगर आपको बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि यार मैं कैसे करूँ क्वेश्चन को, तो आप इस ऑप्शन को टिक बिंदास कर सकते हैं, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल 4 मार्क्स लाकर देगा। और मान लीजिए कोई ऑप्शन दे रखा है जैसे कि ए है एक्स हो गया, बी है वाई हो गया और सी और डी, डी में मान लीजिए नन दे रखा और सी में दे रखा हो कि बोथ ए एंड बी, तो 101% ये फिर से ये सही होगा, क्योंकि जो अगर एक से ज़्यादा पूछ दे रखे होते हैं मेडिकल में, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल कम आते हैं और वो इसीलिए दे रखे होते हैं क्योंकि कुछ उनके पीछे ट्रिक होती है, उनकी होती है कि यार वो बंदा पहला पढ़ ले और दूसरा पढ़े ही ना, या चौथा या तीसरा पढ़े ही ना, उसको हिटी करके चला जाए, जबकि होते सारे ही सही हैं। तो आप पहले ढंग से पढ़ लीजिए, आपको बिल्कुल भी ना आ रहा हो तो आप बिंदास इसको इनको ऑल को सही कर सकते हैं। मैं वाला हूँ कि तीसरी बात कि कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और चारों ही ऑप्शन में कुछ एग्जाम्पल सेम होते हैं और कुछ एग्जाम्पल डिफरेंट होते हैं, अब आपको पता नहीं है कि यार ये कौन सा करेक्टर है और इसके लिए कौन सा एग्जाम्पल सही है, तो फिर इसके लिए भी मैं मेजोरिटी वाला ही ऑप्शन चुनने को बोलूँगा। देखिए पहले ऑप्शन में एक्स वाई और जेड है, ठीक है, दूसरे में पी एम और एक्स, अब आपको देखिए कि एक्स फिर आ गया तो एक्स मेजर है, थर्ड ऑप्शन में जाते हैं तो जेड आया और जेड फिर आ गया, देखिए वाई फिर आ गया लेकिन बी फिर नहीं आया, एम फिर नहीं आया, पी वापस नहीं आ रहा है, चौथे उसमें जाते हैं तो चौथा में देखिए एक्स फिर आ गया, एल है ये नहीं आया, के है ये नहीं आया, ये मतलब पक्का है कि जेड वाई और एक्स ये तीनों ही मेजर हैं और तीनों ही अगर साथ में हैं तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी तीनों ही गलत हो जाएंगे। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है जिसको आपको लगा सकते हैं यार, मेजोरिटी वाले तो लगा लगा के आप कर ही सकते हो यार। और कभी कभार ऐसे ऑप्शन भी आते हैं जो कि आपको पता नहीं होता है, मान लीजिए ए बी सी और डी ऑप्शन कोई है, मान लीजिए कोई भी है और ये समझ लीजिए आपको उसका आंसर नहीं आता हो, तो पहले काटना शुरू कर दीजिए, आपको लगता हो यार ये कोई लाइन दे रखी है, ये तो पक्का उसने ऑप्शन सही पूछ सही कौन सा है वो पूछा है, मान लीजिए आपको पक्का याद हो कि ये तो गलत है तो उसको पहले काट दीजिए, आप पहले अपना ब्रेन यूज़ कीजिए, मान लीजिए डी पता है गलत है, मान लीजिए सी भी आपको लगता है कि हाँ गलत है, ए के बारे में वो क्या दे रखा है या सही है गलत है आपको बिल्कुल नहीं पता, तो इतना जरूर देखिए कि ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको लगता है कि यार ये तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है गलत है गलत है गलत है और उसने सही पूछा तो ए आप बिंदास सही कर दीजिए, क्योंकि आपने आपका ब्रेन सही है और वो ऑप्शन भी सही है। और लास्ट एंड फाइनल में एक क्वेश्चन बताना चाहता हूँ आपको कि वो ना बड़ा ही ज़बरदस्त आ रहा है और ना लगातार कई सालों से आ रहा है, जो कि कभी कभी केमिस्ट्री में पूछ लेते हैं, कभी कभी बायोलॉजी में पूछ लेते हैं कि यार नॉन
रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है या नॉन रिड्यूसिंग कौन सा है, ठीक है। तो उसमें चार ऑप्शन दे रखे होते हैं, तो आप ऑलवेज भी सुक्रेज दे रखा होगा, सुक्रोज दे रखा होगा, एक ऑप्शन आपको सुक्रोज मिलेगा, उसको 100% रट लीजिए कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसको पक्का याद कर लीजिए क्योंकि 101% ये ही आएगा, ये क्वेश्चन फिक्स आता है, तो इसको पक्का याद कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।